तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इनवैलिड एक्टिविटी ऑन फेसबुक। बहुत सारे क्रिएटर्स गाइस इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं फेसबुक के ऊपर, जिसके वजह से आपका जो फेसबुक पेज है वो फ्रीज कर देता है फेसबुक। एंड स्पेशली ये वो क्रिएटर्स करते हैं जिनका क्राइटेरिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है पैसे कमाने के लिए, यानी जो फेसबुक का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स फ्रस्ट्रेट होकर ये इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि मेरा जो वॉच टाइम है, मेरा जो फॉलोअर है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मेरा पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है गाइस कि अगर कोई भी क्रिएटर अपने फेसबुक पेज पर इनवैलिड एक्टिविटी करता है तो उससे आपके पेज पर जो भी व्यूज आ रहे होते हैं आपकी वीडियोज में वो भी आने बंद हो जाते हैं। सो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ गाइस कि कौन कौन सी वो इनवैलिड एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से फेसबुक पेज जो है वो फ्रीज होता है, एंड सेकंड कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका फेसबुक पेज फ्रीज हो गया है, यानी इसके व्यूज नहीं जा रहे हैं, उसके रीच जो है लोगों तक तो नहीं पहुंचा रहा है, फेसबुक रेकमेंड नहीं कर रहा है वीडियोस को, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड सेकंड कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। बात करूँ अगर मैं पहली इनवैलिड एक्टिविटी की, जो कि है हमारा थर्ड पार्टी के थ्रू हम वॉच टाइम और फॉलोअर्स को लेते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी लोग हैं, कह सकते हैं डीलर हैं, जो कहते हैं कि हम आपका वॉच टाइम कंप्लीट करवा देंगे, जो कहते हैं हम आपको फॉलोअर बेस कंप्लीट करा देंगे और आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। ये डीलर भी हो सकते हैं गाइज, और ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन भी है गाइज जिससे आप फॉलोअर्स को जो है अपने पेज पे ला सकते हैं, या कह सकते हैं वॉच टाइम आप अपने पेज पे बढ़ा सकते हैं और आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा आपको होगा नहीं गाइज कुछ। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो गाइज कि इनकम आपके पास कैसे आती है फेसबुक से। अगर आपका पेज मोनेटाइज है, पेज पे आपके पेज पे जो वीडियोस हैं उसमें एड्स चलते हैं, उसी एड्स का रिवेन्यू हमें बनता है, लेकिन आपने पेज को मोनेटाइज करवाने के लिए तो आपने थर्ड पार्टी के थ्रू, या थर्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं उसके उसके थ्रू आप उस टाइम लाए हो अपने पेज पे, या फॉलोअर्स को लाए हो अपने पेज पे। आपके रियल कोई भी फॉलोअर नहीं है जो आपकी वीडियोस को वॉच करेंगे, जिससे आपकी वीडियोस पे एड्स पे क्लिक होंगे और आपको पैसा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप भले ही आप पेज भी मोनेटाइज करवा लोगे, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे फेसबुक से, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर अगर थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी डीलर के थ्रू या इधर उधर से कहीं भी आप दिमाग लगा के वॉच टाइम को लाते हो, अगर ऑर्गेनिक नहीं है आपका वॉच टाइम या ऑर्गेनिक फॉलोवर नहीं है आपके, तो डेफिनेटली आप इससे पेज मोनेटाइज होने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाओगे। एंड ये भी एक रीज़न है गाइस जिसकी वजह से आपका फेसबुक पेज की जो रीच है, आपको जो रिकमेंडेशन है वो फेसबुक कम कर देता है, क्योंकि तो जहाँ आपकी वीडियोस पे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का भी वॉच टाइम नहीं आता है एक दिन में, वहाँ आप सडनली 3 या 4 दिन में अपना मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है 60 हज़ार मिनट का वो कंप्लीट कर रहे हो, तो फेसबुक का AI इस चीज़ को ट्रैक करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। जब जब फेसबुक खुद रिकमेंड नहीं कर रहा है इसकी वीडियोस को, तो इसकी वीडियोस पे वॉच टाइम आ कहाँ से रहा है? जैसे ये चीज़ ट्रैक हो जाती है गाइस फेसबुक के एल्गोरिथम में, तो आपके वीडियोस पे जो व्यूज़ आ रहे थे 100, 150, 200, वो भी आने बंद हो जाएंगे, यानी फेसबुक आपकी वीडियोस का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देगा। सो ये गलती मत करना गाइस। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि है लिंक इन कमेंट सेक्शन। यानी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फेसबुक पेज क्रिएटर, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर, उनकी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने जो फेसबुक पेज है उसका लिंक जो है वो पेस्ट करते हैं, अपनी वीडियोज़ का लिंक पेस्ट करते हैं, तो ये एक स्पैम में आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी वैलिड नहीं होती, जिसकी वजह से आपका फेसबुक रीच जो है वो कम हो सकता है। अब तीसरा इनवैलिड एक्टिविटी है गाइस कि आप अपनी वीडियोस को खुद ही देखे जा रहे हैं, यानी आप अपनी वीडियोस को बार बार देखे जा रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि आपका जो वॉच टाइम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। पहले तो वो व्यूज काउंट नहीं होते, लेकिन अगर आप बार बार अपनी वीडियोस को देखेंगे, वो इनवैलिड तरीका होगा व्यूज बढ़ाने का या वॉच टाइम बढ़ाने का, और ये भी एक स्पैम में काउंट हो जाता है, तो ये चीज भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब फोर्थ इनवैलिड एक्टिविटी है हमारा री अपलोड एंड डिलीट वीडियोज। यानी कुछ वीडियोस आप क्या करते हैं कि पहले री अपलोड करते हैं, फिर उस पर व्यूज़ नहीं आते, उस पर जो है एंगेजमेंट नहीं आता, तो आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, फिर उसी वीडियो को दोबारा अपलोड करते हैं, अगर व्यूज़ आए तो ठीक, नहीं तो फिर उस वीडियो को डिलीट करके फिर दोबारा सेम वीडियो को ही दोबारा अपलोड करते हैं। इस तरीके से फेसबुक को एक गलत इंडिकेशन जाता है गाइस, मतलब ये कि फेसबुक को ये लगने लगता है कि कोई तो ये ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से कि हमारे जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट हो ये चीज़ें, इसलिए बार बार ये वीडियोज अपलोड करके उसे डिलीट कर देता है। तो बार बार आप वीडियोज अपलोड करके, री अपलोड करके उसे डिलीट करना सही नहीं होता है, इससे गलत इंडिकेशन जाएगा फेसबुक को और आपका फेसबुक पेज भी फ्रीज हो सकता है। इसके बाद जो हमारी इनवैलिड एक्टिविटी है गाइस वो होती है कि आप मेरे पेज को फॉलो करो, मैं आपके पेज को फॉलो करूंगा। ये स्ट्रेटजी बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स अपनाते हैं गाइस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है न्यू क्रिएटर्स का। इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम ये चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पेज पे जो होता है फॉलोअर्स तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि जो हम फॉलोअर्स ला रहे हैं उन्हें इंटरेस्ट नहीं है हमारे फेसबुक पेज की कैटेगरी में, या हमारा फेसबुक पेज जिस बारे में है, जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस फॉलो इसलिए कर लिया क्योंकि क्योंकि आपने उसे फॉलो किया। इस तरीके से फेसबुक को इंडिकेशन जाता है कि इस बंदे की जो कैटेगरीज की जो वीडियोज़ हैं उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फेसबुक वीडियोज़ का रीच है वो फेसबुक कम कर देता है। ये जितनी भी चीज़ें बताई गई ये ज़्यादातर न्यू क्रिएटर्स करते हैं जल्दी अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने के चक्कर में, या जल्दी अपना फेसबुक पेज मोनेटाइज कराने के चक्कर में, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। एंड अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है गाइस? इसका सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल से इतना है कि आपको ये सारे काम बंद करने होंगे, एंड उसके बाद आपको कंसिस्टेंट होकर इस पर काम करना होगा, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन तरीका है आपको ग्रो करने का।
अगर आपका पेज बहुत टाइम से आप ऐसे इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको मैं बोलूँगा कि 90 डेज तक आप कंसिस्टेंट होकर इस पर काम करो। अगर रिजल्ट आता है, यानी पहले से कुछ इंप्रूवमेंट होती है आपके व्यूज़ में या आपके पेज पे, तो डेफिनेटली आप इस पर काम करते रहो। अगर नहीं हो रहा है 90 डेज तक काम करने के बाद भी कंसिस्टेंट आप इस पर मेहनत कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा तो समझ लो वो फेसबुक पेज फिर कभी ग्रो नहीं हो सकता। दूसरा पेज बनाओ, दूसरे अकाउंट के साथ एक दूसरा पेज बनाओ, क्योंकि फेसबुक नए पेज को बूस्ट भी करता है। अगर उस पर जेन्युइन तरीके से काम किया जाए, कंसिस्टेंट होकर काम किया जाए, एक प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए, तो उस चीज़ को फेसबुक जो है बूस्ट भी करता है। तो गाइस बस यही एक सॉल्यूशन है जिससे आप अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।